अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एफ जे ग्रामर स्कूल, क्लास फोर, सब्जेक्ट साइंस। क्लास फोर, आज हम चैप्टर नंबर फाइव के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों ने सवाल जो है, क्वेश्चन जो है, वो बुक से उतारना है, और कॉपी जो मैंने आप लोगों को दिख रहा है वो आंसर्स हैं सारे, ठीक। सवाल जो है वो बुक से उतारना है और आंसर्स आप लोग के पास यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सवाल नंबर आपने कौन सा लेना है। सबसे पहले आप बुक का पेज नंबर 49 खोलिएगा, यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 49। बुक का पेज नंबर 49 खोलेंगे आप, तो आप लोगों को सवाल जो है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे आप लोगों को दिख जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर बी उतारना है। कौन सा सवाल उतारना है? क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, पेज नंबर 49। अब देखिए सवाल क्या, सवाल बुक आप लोग अपने अपने सामने रखिएगा, ताकि आप लोगों को साथ साथ सवाल भी देखें और साथ साथ आपको आंसर्स भी दिखें, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो, ठीक। अब आप लोग निकालिए बी, क्वेश्चन नंबर बी आप लोग के पास है। व्हाट इज़ अ मिक्सचर? मिक्सचर क्या है? अब आंसर आप लोग के पास लिखा है, अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस, इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस। किसी भी चीज़, किसी भी एक से ज़्यादा चीज़ का मिक्सचर, या एक से ज़्यादा चीज़ें किसी चीज़ में मिलाएंगे तो वो मिक्सचर कहलाता है, तो वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता। जैसे कि आप किसी भी पानी में शुगर को डिज़ोल्व करेंगे, शुगर डिज़ोल्व करेंगे तो वो एक जो होगा वो मिक्सचर कहलाएगा, ठीक। तो वो एक प्योर तो नहीं है ना, उसके अंदर शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है वाटर में, तो वो प्योर नहीं रहा, सही है। क्या है आंसर? अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर सी, इसके बाद आप लोग उतारेंगे क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? आंसर है आपके पास, अ सॉल्यूशन इज़ लिक्विड मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। अब मैं आप लोग को बताती हूँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। पानी है वो सॉल्वेंट में आ गया, सॉल्यूट है वो, जैसे हम पानी के अंदर सॉल्ट को डिजॉल्व कर रहे हैं या शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, शुगर सॉल्यूट में चला गया, वाटर सॉल्वेंट में आ गया। किसी भी चीज़ का मिक्सचर ऐसा हो, जैसे आपने शुगर को पानी में डिसॉल्व किया, वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिसॉल्व हुई है, ज़रा से भी क्रिस्टल जो होते हैं शुगर के, वो आपके पानी के बिल्कुल तह में ना हो, बिल्कुल डिसॉल्व हो आपके पानी में, वो चीज़ सॉल्यूशन कहलाती है। सॉल्यूट जो है वो अगर सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिसॉल्व होता है तो वो चीज़ सॉल्यूशन कहलाती है। क्लियर हो गई बात? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई आपके पास है, व्हाट इज़ एन सस्पेंशन? गिव एन एग्जांपल। बताइए सस्पेंशन क्या होता है और एक उसकी एग्जांपल भी दीजिए। मैंने आप लोगों को चैप्टर समझाया था तो बताया था सॉल्यूशन और सस्पेंशन का डिफरेंस। डिफरेंस क्या, सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने अभी ऊपर भी बताया, कोई भी चीज़ पानी में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए वो चीज़ सॉल्यूशन में आती है, और कोई भी चीज़ पानी में डिसॉल्व ना हो, उसके वो जो चीज़ है वो नीचे बैठती जाए आपके पानी में, वो सस्पेंशन में आता है, ठीक। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन आप लोग के पास है, इन अ सस्पेंशन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट बट रिमेन सस्पेंडेड एज इन चॉक एंड वाटर। सस्पेंशन क्या होते हैं, किसी भी सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व ना हो सॉल्वेंट में, और उसके पार्टिकल जो हैं वो रह जाएं जैसे कि चॉक पानी में। चॉक को आप पानी में डिसॉल्व करेंगे, मिलाएंगे, मिक्स करेंगे उसे, तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती, उसका जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे तह में बैठते चले जाते हैं, तो
चॉक और वाटर कहाँ आएंगे? सस्पेंशन में। शुगर और वाटर कहाँ आएंगे? सल्यूशन में। ये आप लोग मिक्स नहीं करिएगा, सल्यूशन में क्या आएंगे? शुगर और वाटर, और सस्पेंशन में क्या आएंगे? चॉक और वाटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट इज एन अलॉय? गिव एन एग्जांपल। अलॉय क्या होता है, उसकी एक एग्जांपल दीजिए। अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एन अलॉय। किसी भी मेटल्स का, धातु का मिक्सचर जो होता है वो अलॉय कहलाता है, ठीक। फॉर एग्जांपल, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। क्या हुआ, किसी भी चीज़ का मिक्सचर क्या कहलाता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स का अलॉय कहलाता है। ब्रास जो है वो मिक्सचर ऑफ मेटल है किसका? कॉपर और जिंक का। ब्रास क्या है? अलॉय है कॉपर और जिंक का। क्लियर हो गई बात। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच आप लोगों के पास दिया हुआ है, डिस्क्राइब हाउ यू वुड सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। आप लोग सैंड और वाटर का मिक्सचर कैसे सेपरेट कर सकते हैं? आंसर आपके पास दिया हुआ है, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग इट। किसी भी सैंड, मिट्टी और पानी का मिक्सचर आप लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? कैसे? फिल्टरिंग से, फिल्टर से। कैसे करेंगे? एक बीकर होता है, मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रही हूँ कि फिल्टर करते कैसे हैं सैंड और वाटर को, ठीक। एक बीकर होता है, उसके अंदर बीकर है, एक ऊपर फनल लगाते हैं और एक फनल के अंदर आप लोग फिल्टर पेपर लगाते हैं। किसी भी चीज़ में आपने सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाया, ठीक। आपने फिल्टर पेपर से बीकर के ऊपर फनल रखेंगे, उसके फनल के अंदर आप लोग वो लगा देंगे फिल्टर पेपर। आप लोगों ने वो सैंड और वो वाटर वाला मिक्सचर आपने फनल से, फिल्टर पेपर से गुजारा, तो जितनी भी सैंड होगी वो आपके फिल्टर पेपर पर चिपक जाएगी और जो पानी साफ होगा वो फिल्टर पेपर से गुजरते हुए आपके बीकर में चला जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फिल्टरिंग प्रोसेस कहलाता है, ठीक। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों का होमवर्क। आप लोगों का होमवर्क पेज नंबर 47 निकालिए। पेज नंबर 47 पे आप लोगों के पास ये डायग्राम दी हुई है फिल्टरिंग की, ठीक। इसमें भी देखिए कैसे एक स्टैंड है, सही है, उसमें आपका ये फनल है, उसके अंदर क्या लगा हुआ है? ये फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर लगा है। नीचे क्या है? फिल्टर्ड वाटर है, मतलब ये बीकर होता है, ठीक है। पानी आपने गुजारा, सैंड यहाँ पे रह गई और फिल्टर वाटर कहाँ पे आ गया? बीकर में आ गया। ये डायग्राम आप लोगों ने अपनी कॉपी में बनानी है, पेज नंबर 47 पे मौजूद है, ये आप लोगों ने कॉपी में बना के लानी है, ठीक। चेकिंग डे आप लोगों का ट्यूसडे है, ट्यूसडे को आके कॉपी चेक कराइएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।